पकड़ी गई। पकड़ी गई। चलो भाई इसको बाय लेकर चले। जान प्यारे इसीलिए भाग रही थी। हर किसी को प्यारी होती है। पानी में चलेगी, पानी में। अब जल्दी से मुर्गी को बुलाएं। फातिमा, फातिमा मुर्गी को बुलाने गई है, उसको इधर ही बुलाते हैं ताकि इधर आसानी से पकड़ी जाए, क्योंकि उधर जगह ज्यादा खुली है ना। तो आप जा सरदार। हाँ जी मुनीर भाई आप जाएं। मुर्गी को पकड़ना ना। अभी ताया अबू ने पकड़ी हुई है मुर्गी, और मुनीर भाई छुरी को तेज करके आ गए, इसको जिबा करने लगे हैं। मैं थोड़ा सा साइड पे हो जाऊं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। जो भी कोई परेशान है, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, और हमारे जितने भी देखने वाले बे औलाद हैं, अल्लाह पाक सबको औलाद दे, आमीन सुम आमीन। तो इसी एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज। तो आज माशाल्लाह से दूसरा रोज़ा है, अभी टाइम है तकरीबन जोहर का, और हम कर रहे हैं अपनी अफ्तारी की तैयारियाँ, क्योंकि आज हमने मुर्गी को ज़िबा करना है, उस पर काफ़ी टाइम लग जाएगा, उसका गोश्त जो ना जल्दी नहीं गलेगा, तो इसीलिए हमने कहा अभी जल्दी बनाना शुरू करते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। अभी ताया अबू जो ना चार पाई पर सोए हुए हैं अपना नमाज पढ़ के। बाकी किचन में लकड़ियाँ हमने रख ली हैं, ये बर्तन भी जोड़ दिए, इधर छांव आ जाती है ना, खाना बनाना बड़े आसान हो जाता है। अभी मुर्गी को पकड़ते हैं, मुर्गी को पकड़ने में काफी मेहनत लगेगी, ये आपका काम है, आपने करना काम है, तो मैं ज़िबा ही मैं ही करूँगा। हाँ जी आप करना, मैंने तो भाई देखना अभी नहीं, मेरा दिल नहीं करता, आप खुद अकेले करना, मुझे दे देना, छोटा सा छोटे बच्चे की तरह। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और अम्मी जी इधर बैठी हुई है, फातिमा आटा लेकर फिर रही है। फातिमा आटा इधर डालो, फिर मुर्गी आएगी। अम्मी जी भी छांव में बैठी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, आज मौसम भी बहुत प्यारा बना हुआ है, हवा चली हुई ठंडी ठंडी, सुबह सुबह ना हल्की हल्की बारिश भी हुई है, और अभी भी कभी बादल आ जाते हैं तो कभी चले जाते हैं। अब जल्दी से मुर्गी को बुलाएं। फातिमा, फातिमा मुर्गी को बुलाने गई है, उसको इधर ही बुलाते हैं ताकि इधर आसानी से पकड़ी जाए, क्योंकि उधर जगह ज्यादा खुली है ना। हाँ जी मुनीर भाई आप जाएं। मुर्गी को पकड़ना ना एक वाघ जिस तरह बंदा वाघ करता है, एक वाघ करने के बराबर ही है। हाँ जी आज कर लेना, सही है, सही वाघ हो जाएगी। जल्दी से बुला कर लाओ, फिर पानी में चलेगी, पानी में। पकड़ी गई। पकड़ी गई। चलो भाई इसको बाय लेकर चले। जान प्यारे इसीलिए भाग रही थी। हर किसी को प्यारी होती है, हैं फातिमा? मुर्गी ने छुरी मारी है। हेलो पोतरा बर्तन ले जाते हैं, छुरी है छोटी जी, पर मुंह तेज। सही है। हाँ। चलो फिर ओथे बाहर चलने हैं। चल जाओ। अभी ताया अबू ने पकड़ी हुई है मुर्गी, और मुनीर भाई छुरी को तेज करके आ गए, इसको जिबा करने लगे हैं। मैं थोड़ा सा साइड पे हो जाऊं। नहीं तुम क्यों साइड पे हो जाओ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुर्गी को हमने लिटा दिया नीचे, तो अभी इसको जिबा करते हैं। और जो खदीजा है वो कह रही है मैं तो जा रही हूँ। हाँ जी मैं जा रही हूँ, बस आराम आराम से करना, बेचारी को दर्द। अभी मैंने साथ में किचन की सारी सेटिंग कर ली है, चारपाइयाँ भी डाल दी हैं, ऊपर बिछौने भी बिछा दिए हैं, और किचन में भी सारी चीज़ें रख ली हैं जो भी हमें चाहिए सालन बनाने के लिए। ये इधर मूड़े मैंने छांव में रखे हैं ताकि अगर कोई बैठना चाहे तो इधर बैठ जाए। और वैसे भी आज धूप इतनी ज़्यादा नहीं लग रही क्योंकि पहले बारिश हुई है और मौसम ठंडा है, तो मैंने कहा तब तक मैं सालन बनाऊंगी तो फिर अफ्तारी का टाइम कम रह जाएगा, फिर टाइम नहीं मिलेगा चारपाइयाँ लगाने के लिए, तो पहले ये मैं सारा काम कर लेती हूँ, तब तक वो मुर्गी का गोश्त भी बना लेंगे, फिर मैं सालन बना लूँगी, अम्मी जी आटा बना लेंगी, या आटा भी मैं बना दूँगी, रोटियाँ बस अम्मी जी बना लेंगी, तो मैं ज़्यादा काम कर लेती हूँ, अम्मी जी से काम करवाती हूँ। और दूसरा ये कि हमारी मुर्गी जो है ना अंडे नहीं दे रही थी, काफ़ी बूढ़ी होगी थी, इसीलिए आज हमने उसको ज़िबा कर लिया। वैसे मेरे दिल को बहुत कुछ हो रहा है कि अब हमारी मुर्गी जो है ना नहीं रही। चलो खैर अल्लाह पाक बेहतर करे। लो जी मुर्गी होगी ज़िबा, और तुसी बनाओ सालन। ये मुर्गी की ओजरी बड़ी निकली है, इसको क्या कहते हैं, चर्बी। चर्बी है। ये है चर्बी, ये घी के तौर पे इस्तेमाल होती चर्बी। ये मुर्गी हमारी काफी दिनों की होगी थी ना, इसीलिए उस पर काफी ज्यादा चर्बी आ गई थी। ये गोश्त है, गोश्त है ज्यादा चर्बी है। चलो घी हम कम डाल लेंगे, यही डाल देंगे चर्बी जो है। अब अल्लाह मियां के पास पहुंच गई है, रात को हमारे पेट में हो गई।
फातिमा मुर्गी किधर गई हमारी? आओ। हाँ जी आओ वाली वाली। लो जी हमारे पेट में होगी मुर्गी। अब मैं इसके छोटे छोटे बनाती हूँ पीस, उसके बाद फिर सालन बनाऊंगी। इसके छोटे छोटे पीस बनाने इतने इतने? हाँ इतने इतने बनाऊंगी, फिर गलेंगे आसानी से। हाँ जी अब जल्दी बनाओ, अफ्तारी का टाइम होने वाला है। ठीक है मैंने सारी चीजें रख ली किचन में, अब बस जल्दी से बनाती हूँ। तो अभी मैंने सालन बना लिया है, अम्मी जी ने इधर बाहर वाले चूल्हे पर चावल भी बना लिए। चावल आज अम्मी कैसे बनाए? चावल बनाए निमा काले पोत्र मुदामे बनाए ने, दम दिता पियाया पकात रखे ने। सही है, दूध पड़ा हुआ दूध डाल लेंगे। पोत्र दही भी पई है, दिल किता सालन पा ली सा, दिल किता दही दूध माशाल्लाह दूध पा ली सा। सही है, अम्मी जी ने बनाया सफेद चावल। हाँ जी निमा काले पोत्र बनाए नमकीन सफेद चावल, साथ में वो चिकन का सालन है तो साथ में नमकीन चावल। और जो हमारा सालन है ना वो काफी देर लग रहा है तैयार होने में, क्योंकि जो हमारी मुर्गी थी वो थोड़ी सी ज्यादा उम्र की थी, बूढ़ी थी, उसका गोश्त गल ही नहीं रहा है, ऐसे जैसे कट्टे का गोश्त हो ना अम्मी जी। हाँ जी। मैं देश की भर के पानी की रखी है, अभी तक नहीं गला। चलो कोई नहीं, अभी टाइम है अफतारी तक हो जाएगी। हूं तुसी रोटियां बनाओ ने? हाँ जी मैं आटा लेके आ रहा हूँ। आप भी काम कराया करो, पता ना मुझे रोजा है। मेरी कोई और बहन तो है नहीं, बाकी सब अपने अपने घरों में, और फातिमा छोटी है वो कहना नहीं मानती। फिर कोई काम हो ना मैं मुनीर भाई से कह रहती हूँ मुझे करके दो। हाँ जी एक दो काम नहीं होता, सारे काम ही मैं करता हूँ, तुम तो सिर्फ बातें ही करती रहती हो। बातें शातें नहीं करती, सालन मैंने बनाया नहीं अम्मी जी, आप देख लो इसके काम। नहीं सालन पोतर तो बनाया, सारा मैंने धोया भी, मसाला रखा इधर, सारे ये सारी चीजें रखी, फिर मुझे कहते मैं कोई काम नहीं करती। अम्मी को भी रोजा है तुम रोटियां तुम बनाओ। रोटियां नहीं मुझसे बनती ना ना, रोटियां बनाने वाला ज्यादा मुश्किल काम, हाथ सड़ देने। फिर आ जा सन होली होली काम। हाँ जी मेरी अम्मी जी है ना जिंदाबाद। जिंदाबाद नहीं है अभी, तुम्हारी साइड पे है, लेकिन तुम्हें भी काम करना चाहिए। जब तुम्हारी बीवी आ जाएगी ना तब मैं उससे बनवाया करूंगी, अभी अम्मी जी बना लेती है। हाँ जी जो मेरी बीवी आएगी तब अम्मी मतलब कि नहीं बनाएगी, तुम बनाओगी। मैं कोई नहीं बनानी, वो ही बनाएगी, ये तो तब का तब देखा जाएगा, अभी आटा लेके आओ। अल्हम्दुलिल्लाह से अभी अफतारी का टाइम हो गया, मैंने अफतार कर लिया रोज़ा, बाकी नज़ीर भाई ताया अबू और अम्मी जी कर रहे हैं। ये सेब और खजूरें मैंने काट कर रख दी थी वो खा रहे हैं, और सालन भी हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। फातिमा नाराज़ होके बैठी हुई है, की होया है फातिमा? और माशाल्लाह से अभी शाम की अजानें भी हो रही हैं, अजाने सुन ले उसके बाद फिर आप सबसे मिलते हैं। आज मुर्गी का सालन बड़ी देर में पका है, नज़ीर भाई खा रहे हैं तो पूछते हैं कि आज हमारा सालन कैसा बना। हाँ जी भाई कैसा बना सालन? मुर्गी तो ज्यादा दिन की थी लेकिन सालन माशाल्लाह अच्छा बना। हाँ जी टाइम भी फिर उतना ही लगा है। ताया अबू जी सालन सही बना है? फातिमा सालन मुर्गी का हम जिस मुर्गी का हम सालन खा रहे हैं ना, ये मुर्गी तकरीबन हमारे पास 1.5 से 2 साल रही है, काफी उम्र की हो गई थी। अंडे भी इतने खाए और माशाल्लाह अभी सालन भी बहुत जबरदस्त बना है, कट्टे का सालन बना है। हाँ जी इतनी देर आखिरी हमारी मुर्गी थी वो खत्म होगी, अभी हम दोबारा छोटे छोटे चूजे 2-3 और लेके आएंगे जो हमारे साथ चलेंगे, वो अंडे नहीं दे रही थी इसलिए हमने उसको जिबा कर लिया। हाँ जी कला से प्यारी सी और बरकतों वाली सुबह का आगाज हो गया है। अभी जो हमारे बहन भाइयों के कमेंट हैं वो आप सबके साथ शेयर कर लेते हैं। आज फातिमा नहीं है, फातिमा को आज मैंने नहलाया था तो आज वो सो गई है दिन को, क्योंकि अब माशाल्लाह से दिन बड़े हो गए तो दिन को भी सो जाया करेगी, पहले नहीं सोती थी दिन छोटे थे लेकिन अब दिन बड़े हो गए ना तो अब सो जाती है। और अम्मी जी भी मेरे पास बैठी हुई हैं, आज की इफ्तारी की तैयारी हो रही है, तो आज हम क्या बनाएंगे ये अगली वीडियो में दिखाएंगे। अभी जो कमेंट है ना वो हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी प्यारी सी सिस्टर हैं
वो कह रही हैं महाब अली के लिए दुआ ज़रूर करना, वो ठीक नहीं है। तो सिस्टर अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदरुस्ती दे, हम दुआ ज़रूर करेंगे। उसके बाद हमारे प्यारे से भाई अबू बकर शहजाद चकवाल से, अल्लाह पाक उनको भी खुश रखे, आमीन सुमामीन। उसके बाद हमारे भाई मोहसिन हैदर उनके दोस्त, अल्लाह पाक उन भाइयों को भी खुश रखे, आमीन सुमामीन। उसके बाद हमारे सिस्टर हैं सवेरा, वो कह रही हैं मेरी बहन के लिए दुआ करना, अल्लाह पाक उसे औलाद से नवाजे। जी ज़रूर सिस्टर, हम उनके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह पाक उनको औलाद दे, आमीन। उसके बाद एक और हमारी सिस्टर हैं, वो कह रही हैं आप सब के लिए दुआ करती हो, हम आपके लिए दुआ करते हैं कि आपके जल्दी से 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएं। तो बहुत शुक्रिया मेरी बहन, आपका भी बस आपकी दुआएं चाहिए, इंशाल्लाह एक दिन वो भी आएगा जब हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर जना हो जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद एक और हमारी सिस्टर हैं सारा, वो कह रही हैं अम्मी जी को सलाम देना, फातिमा को प्यार देना। जी ज़रूर सिस्टर, अल्लाह पाक हमारी बहन सारा को अपना घर दे, आमीन सुमामीन। अम्मी जी आप उनके सलाम का जवाब भी दे। वालेकुम सलाम मेरी बहन है कि दी है। हाँ जी सिस्टर है, और फातिमा अभी उठ गई है, आ जा फातिमा, थोड़ी सी सुस्ती में खुद ही आ जाएगी, तब तक मैं नाम पढ़ लूँ। उसके बाद एक और हमारी सिस्टर है अरीशा, वो कह रही हैं मेरी फैमिली के लिए दुआ करना, अल्लाह पाक खुश रखे, अम्मी को सेहत दे और फूफो को औलाद दे। जी ज़रूर सिस्टर, हम आपकी फैमिली के लिए भी दुआ करेंगे, फूफो के लिए भी दुआ करेंगे, अल्लाह पाक उनको औलाद दे और आपकी फैमिली को हमेशा खुश रखे, आमीन। उसके बाद एक और हमारी सिस्टर है, वो कह रही हैं फातिमा और अम्मी से दुआ करवाना, अल्लाह पाक हमें अपना घर दे। जी ज़रूर सिस्टर, हम दुआ करेंगे, अल्लाह पाक को अपना कर दे, आमीन। उसके बाद एक और हमारी सिस्टर हैं, वो कह रही हैं फातिमा से दुआ करवाना, शोहर को अच्छा सा बिजनेस दे। जी ज़रूर सिस्टर, हम भाई के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह पाक उनको अच्छा सा काम दे, आमीन। उसके बाद हमारे प्यारे से भाई हैं मोहम्मद अब्दुल्ला, वो कह रहे हैं मेरे लिए दुआ करें, मेरे पेपर अच्छे हो जाएं और मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊं। जी ज़रूर मेरे भाई, हम आपके लिए भी दुआ करेंगे, अल्लाह पाक आपको अच्छे नंबरों से पास करे, आमीन सुमामीन। उसके बाद एक और हमारी सिस्टर हैं, वो कह रही हैं मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह पाक उनको भी खुश रखे, आमीन। उसके बाद एक और हमारी सिस्टर हैं माजबीन, वो कह रही हैं अम्मी से खास दुआ करवाना, अल्लाह पाक मुझे औलाद दे। जी ज़रूर सिस्टर, अम्मी जी मेरे पास हैं, अम्मी जी उनके लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उन्हें औलाद दे, अल्लाह पाक ऐसनों बच्चे दे, अल्लाह पाक इस माह रमजान दे सदके नेक महीने में अल्लाह पाक इन बच्चे अता कर, आमीन सुमामीन। उसके बाद एक और हमारी सिस्टर हैं, वो कह रही हैं सारे रोजे रखने की अल्लाह पाक हमें तौफीक दे। जी ज़रूर सिस्टर, अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे, आज माशाल्लाह से तीसरा रोज़ा है। उसके बाद एक और हमारी सिस्टर हैं फायजा गुलजार, वो कह रही हैं मैं जो चाहती हूँ वो मुझे मिल जाए, मैं अपने शौहर के साथ हमेशा खुश व आबाद रहूँ। जी ज़रूर मेरी बहन, हम आपके लिए भी दुआ करेंगे, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुमामी। तो उसके बाद एक और हमारे सिस्टर ने सुबाना, वो कह रही है मेरी बेटी हो जाए, दुआ कीजिए, अल्लाह पाक शोर को रोज़गार भी दे। जी ज़रूर सिस्टर, अल्लाह पाक आपको बेटी दे इस रमज़ान मुबारक के सदके और भाई को अच्छा सा काम दे, आमीन। उसके बाद एक और हमारे सिस्टर हैं, वो कह रही हैं मेरा ऑपरेशन है 28 तारीख को, दुआ करना, अल्लाह पाक मुझे सेहत वाला बच्चा दे। जी ज़रूर सिस्टर, हम आपके लिए भी दुआ करेंगे, अल्लाह पाक आपको सेहत वाला बच्चा दे, आमीन। उसके बाद एक और हमारे सिस्टर हैं, वो कह रही हैं बेटी की तबीयत ख़राब है, दुआ करें, अल्लाह पाक ठीक करे। जी ज़रूर सिस्टर, हम आपके लिए भी दुआ करेंगे। उसके बाद एक और हमारे सिस्टर हैं, वो कह रही हैं सलाम दुआओं में याद रखना। जी वालेकुम अस्सलाम सिस्टर, हम आपके लिए भी दुआ करेंगे। उसके बाद एक और हमारे सिस्टर हैं, वो कह रही हैं ताया अबू से बोलना, अल्लाह पाक मेरे शौहर को कारोबार दे और बेटियों के नसीब अच्छे करे। जी ज़रूर सिस्टर, ये ताया अबू और मुनीर भाई कोई अपना काम करें। ताया अबू जी साढ़े वास्ते एक कमेंट आया है, सिस्टर कहती पी है दुआ करवाया जाए ताया अबू को, अल्लाह मेरे शौहर नू अच्छा जे काम देवे ते मेरी बेटियां दे नसीब अच्छे करे। अच्छा, दुआ कर सा, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, जब भी आप नमाज पढ़िएगा ना तो सब के लिए दुआ किया करें। उसके बाद एक और हमारी सिस्टर है सोदिया से, वो कह रही है मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह पाक हमें औलाद दे। जी ज़रूर सिस्टर, आप ही हमारे लिए दुआ किया करें, अल्लाह पाक हमारी भी परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन सुमामीन। उसके बाद एक और हमारी सिस्टर है, वो कह रही है मेरे और मेरे घर वालों के लिए दुआ करना। जी ज़रूर सिस्टर, हम आपके लिए भी दुआ करेंगे। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है रमज़ान के महीने में अल्लाह पाक मुझे भी खुश रखे, मेरे लिए भी दुआ करना। जी ज़रूर सिस्टर, हम आपके लिए भी दुआ करेंगे। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है दुआ करना, अल्लाह पाक फूफो को औलाद दे। जी ज़रूर सिस्टर, हम आपके लिए भी दुआ करेंगे, अल्लाह पाक आपको फूफो आपकी फूफो को औलाद दे, आमीन। उसके बाद एक और हमारे सिस्टर हैं,
अनम वो कह रही है मैं इस्लामाबाद से हूँ, परेशानी दूर करे और अल्लाह पाक हमें अपना घर दे। जी जरूर सिस्टर, हम आपके लिए भी दुआ करेंगे। उसके बाद एक और हमारे सिस्टर है, वो कह रही है अम्मी से दुआ करवाना, अल्लाह पाक मेरे नसीब अच्छे करे। जी जरूर सिस्टर, अम्मी जी से मैं दुआ करवाती हूँ, अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे। अल्लाह पाक इस बच्ची के नसीब अच्छे करे, अल्लाह पाक हर दिया बच्चियां के नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है अम्मी आपके व्लॉग बहुत शौक से देखती हैं, उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं, दुआ करना अल्लाह पाक मुझे औलाद दे इस रमजान के आखिर में। जी जरूर सिस्टर, अल्लाह पाक आपको औलाद से नवाजे, आपकी अम्मी को भी सेहत दे। आमीन से आमीन। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है मुश्किल हल करे अल्लाह पाक और सेहतमंद औलाद दे। जी जरूर सिस्टर, अल्लाह पाक आपकी परेशानियों को दूर फरमाए और सेहतमंद औलाद से नवाजे। आमीन। उसके बाद एक और सिस्टर हैं, वो कह रही हैं कि बाबा के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उनको रोजगार दे। जी जरूर सिस्टर, हम अंकल के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह पाक उनको अच्छा सा काम दे। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है मैं इस्लामाबाद से हूँ, मेरे लिए भी दुआ करना। जी जरूर सिस्टर, मैं आपके लिए भी दुआ करूंगी। उसके बाद एक और सिस्टर, उनका नाम है सुमेरा, वो कह रही है दुआ करना मेरी फैमिली के लिए, फैमिली से करवाना। जी जरूर सिस्टर, हम आप सबके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। उसके बाद एक और सिस्टर है, उनका नाम है तानिया, वो कह रही है मेरे जो दिल की मुराद है पूरी हो जाए, दुआ करना। जी जरूर सिस्टर, जो आपके हक में बेहतर है अल्लाह पाक वो करे। आमीन। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है मेरा ऑपरेशन हुआ है, बहुत तकलीफ में हूँ, दुआ करना। जी जरूर सिस्टर, अल्लाह पाक आपकी तकलीफों को दूर फरमाए। आमीन। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है मेरे लिए भी दुआ करना, मेरा हर मकसद पूरा हो जाए। जी जरूर सिस्टर, अल्लाह पाक आपके जायज मकासिद को पूरा फरमाए। आमीन। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है दुआ करना, बहुत परेशानी में हूँ, मेरा मसला हल हो जाए। जी जरूर सिस्टर, हम आपके लिए भी दुआ करेंगे। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है ताया अबू और अबू जी को मेरा सलाम कहना। जी वालेकुम अस्सलाम सिस्टर। अबू जी को भी मैं आपका सलाम बोलूंगी। हाँ जी, जरा ना दुआ भी कर बढ़िया, अल्लाह नमाज भी पढ़ी करो, रोजे रखे करो, नेक महीना है, ये 12 महीने साल भी चलता है। हाँ जी बिल्कुल, हर ये भी नेकी का काम है, किसी आखना ना नमाज पढ़ो रोजे रखो, ये भी नेकी का काम है। घर दे आवे उन्होंने आखो, ये नहीं ओ ना आखे उल्टा उन्होंने गुनाह। हाँ जी, सबसे पहले तो बंदा खुद पर अप्लाई करे, खुद जो काम कर सके फिर आगे भी मशवरा दे। पहले सबसे पहले तो हमें पढ़नी चाहिए 5 वक्त की नमाज, सारे रोजे रखने चाहिए। फिर आप सबको भी कह रहे हैं कि आप सब भी रखें और हमारे हक में भी दुआ करें। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है शोहर के लिए दुआ करना, वो बीमार है। जी जरूर सिस्टर, हम भाई के लिए दुआ करेंगे। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है मेरे 2 बेटे हुए थे, फौत हो गए, दुआ करना अल्लाह पाक मुझे औलाद दे, बेटी दे या बेटा दे, सही सलामत हो। जी जरूर सिस्टर, अल्लाह पाक आपको औलाद से नवाजे, आप परेशान ना हो, अल्लाह पाक आपकी गोद हरी करेगा इंशाल्लाह। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है मेरे लिए भी दुआ करना। जी जरूर सिस्टर, आपके लिए भी हम दुआ करेंगे। उसके बाद हमारे सिस्टर है मंजा अजहर साहिवाल से, वो कह रही है मेरी दोस्त के लिए दुआ करना। जी जरूर सिस्टर, हम आपके लिए दोस्त के लिए दुआ करेंगे, जो भी मसला है जो परेशानी है अल्लाह पाक हल फरमाए। आमीन। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है फातिमा से दुआ करवाना, अल्लाह पाक मुझे जुड़वा बच्चे दे। जी जरूर सिस्टर, अल्लाह ताला आपको ट्विंस बेबी दे। आमीन सुमामीन। और फातिमा अभी उधर खेल रही है, फातिमा आज हम दुआ करें, जल्दी आओ दुआ कर ले, फिर खेलती रहना, सही है ना। आज फातिमा ऐसे करो, हाथ दुआ करें या मेरे प्यारे अल्लाह, दोनों हाथ करो, आज मेरी ये दुआ जरूर कबूल करना, आपको आपके रब होने का वास्ता, आपको आपके करीम होने का वास्ता और आपको आपके रहीम होने का वास्ता। ये मेरे बहन भाई जो मेरी दुआ सुन रहे हैं, ये मेरे बहुत ही प्यारे हैं, इनकी जिंदगियों को खुशियों से भर दे, इन्हें हर दुख तकलीफ और परेशानी से बचाना, इन्हें हर नागहानी आफात और बीमारियों से बचाना, इन्हें आगे बढ़ाना और तरक्कियां देना, इन्हें जितनी तेरी जात से उम्मीदें हैं उससे ज्यादा इनकी मदद फरमाना, इनकी जिंदगियों में उजाले भरना, नसीब अच्छे करना और हर बे औलाद को औलाद देना। आमीन सुमामीन। चलो फातिमा ऐसे कर लो हाथ, आप सभी कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा, हो सकता है किसी के सदके हमारी दुआ कबूल हो जाए। तो फिर आज की हमारी वीडियो यहाँ तक थी, उम्मीद है कि आप सबको अच्छी लगी होगी वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Please.